कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों ने देखा, ग्रुप के द्वारा हम लोगों ने डाला ग्रुप में, और देखने के बाद सब लोगों ने आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि अगर हम लोगों का पैसा बढ़ेगा तो सिद्धार्थनगर के संसद हम संसद जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी चौकीदार हैं या आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि संसद जी चल करके मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता करावें। न जाते पांच ही लोगों को लेकर के चौकीदारों को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा के कम से कम यह पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदार देखें कि संसद जी मुख्यमंत्री के सामने अपने सिद्धार्थनगर के चौकीदारों को लेकर के चौकीदारों के नाम से रखा। हम बताना चाहते हैं कि 47.88 करोड़ रुपया माननीय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने चौकीदारों के लिए आवंटन किया, कुछ कारण से रुक गया, अभी किसी का भी नहीं आया है, आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, लेकिन हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे चौकीदारों के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट, जो पूर्व जज है रिटायर है हाई कोर्ट के, उनके द्वारा कागज मंगवाया और मंगवा करके उन्होंने उस पे देखा कि चौकीदारों की दशा और दिशा कैसे बदली जा सकती है, तो उस पे उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि इनका मानदेय और अच्छा कर दिया जाए, 2500 से बढ़ा करके 15,000 या 18,000 के ऊपर कर दिया जाए और उसके बाद इनका वर्दी कर दिया जाए, जैसे होमगार्ड और जैसे पीआईडी की वर्दी है उसी प्रकार से अगर चौकीदारों की वर्दी हो जाए, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही वर्दी, उसे पहन करके निकल जाने के बाद अब हम आपसे और क्या कहें, कुत्ते भी अगर रास्ते में देख लेते हैं तो भौंकना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हम लोगों की वही हम अपनी सभी बातों को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों के तरफ से आज यह मीटिंग इसीलिए रखा गया है कि हम लोगों की मुख्य पाई जी के द्वारा और ये सारी व्यवस्था पाई जी का कहा कि हम लोग रैली निकाल करके आपके यहाँ धरना देंगे, पाई जी के काम ही आप लोगों को झूठ में बैठने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए लोहिया कला भवन में आवेदन करवा देता हूँ, वहां आप लोग बैठे।